हेलो, तुम्हारी ये जो दूसरी लाइन है ना, मुझे चैलेंज दे रही है हाइम। कहाँ हो तुम? रास्ते में। टाइम देखा है तुमने? फ्लाइट में सो चुकी है। हाँ, वो। और यहाँ एक नया इशू बन चुका है। खैर, अब मैं इस जंग को खत्म करना चाहती हूँ। तुम घर कब आ रहे हो? हाइम, तुम घर कब आ रहे हो? अभी बताया तो है। तुम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे हो? नहीं। जल्दी आ जाओ। मीठी छुरी कहीं की। देखो कैसे उसने सबके दिल में जगह बना ली। ऐसे लोगों की यही प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। आज मैंने इतनी बड़ी गोली फिट की, तो मुश्किल था परमिशन मिलना। एक तो मेरी ये बात समझ नहीं आती कि हमने कोई चोरी की कि बड़ा जाए कुछ भी करता रहे उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमने अगर हमारा इशारा किसकी तरफ है? Come on, मेरा आप। जब भी हम बाहर मिलते हैं तो बिना वजह के डोमिनेटिंग नहीं हो जाते हो? हाँ, इनके हर रिश्ते को हर इशू को फोर ग्रांटेड लेना एथिकली गलत है मेरा, ये तुम भी चाहते हो। अच्छा, तुम्हारे और मेरे में सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। मुझे तुमसे प्रॉब्लम्स हैं और तुम्हें मेरे भाई से। तो क्यों ना हो प्रॉब्लम मुझे हाइम से? अमल मेरी बहन है, मुझे प्रॉब्लम होगी। मैं भी किसी की बहन हूँ। यार, हमारा हमारा कुछ और रिश्ता भी ला। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारा भाई हाइम। मेरा इस बहस का कोई एंड नहीं है, तुम जानती हो। तो करते क्यों हो? I'm sorry, नहीं करूंगा इंदा, please. I'm just so sick of it. पहले तुम खुद ही रूड होते हो और बाद में खुद ही तुम justifications दे रहे हो। अच्छा, मूड तो अच्छा कर लो, please. और उसको संभालना किसकी जिम्मेदारी थी? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? लड़का तो लड़का, लड़की भी हाथ में नहीं रही। फोन भी अटेंड नहीं कर रही। और रोक ले उसे, इससे पहले कि वो हाथ से निकल जाए, रोक उसे। वो जी, क्या मेहराब बीबी का मोबाइल मुसलसल कमरे में बज रहा था। ओहो, चलो जाओ। रो अपने नसीबों को। तुम हमेशा इतनी जल्दी में जाते हो कि मेरी। डोंट वरी, डोंट वरी मेरा। ताऊ जी और ताई जी को अभी सबकी आदत डाल लेनी चाहिए मेरे ख्याल। क्यों? क्यों? नाइल, चलो घर चलते हैं। इतनी जल्दी क्या? अभी तो आए हम लोग। तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? मेरा आप इतनी जल्दी आज प्लीज रुक जाओगी थोड़ी देर? 5 मिनट नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट। जूस ऑर्डर किया वो पी लूं। जी बुजे, कहाँ है तू? मियाँ जी से बात हो चुकी है मेरी। मियाँ जी के बच्चे, जल्दी आ मेरे कमरे में। अबू जी, जल्दी आओ। ड्राइवे में हूँ, आ रहा हूँ। मुझे हाइम से अकेले में बात करनी है। तो इसमें रोने की क्या बात है? अब आया तू हाथ में? अबू जी के पास जा रहा हूं। हमारे से भी तेरा कोई रिश्ता है कि नहीं? कहिए क्या कहना है आपने? देख, तो अपनी हरकतों से बाज आ जा, अभी भी वक्त है। देखिए, देखने समझने का टाइम गया चाचू जी। ओ मर गया चाचू। हां जी, मुआहदा हो चुका है। ओ मुआहदा टकोसला है वो। ओ चल तू जा। तू रुक, आप दोनों डिसाइड कर लेंगे मुझे क्या करना है। देख, मेरे और मेरे बेटे के दरमियान मत आ कलीम। ये आपका बेटा नहीं है, मेरा दामाद है। ये पहले मेरा बेटा है फिर कुछ और। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा दामाद है। ओ बड़ा दामाद वाला,
और चल तू जा। तू रुक और तू चल रहे तो रुक। ओ बेगैरत तो। कोई मौका हाथ से ना जाने देना। कमबख्तो मत पूछने पर मजबूर करो किस बाप की औलाद हो, किस खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। अरे किस दादा का नाम रोशन कर रहे हो। हाइम मेरे कमरे में आ। लानत है तुम पर। खुदा का खौफ करो रेशमा, अपनी उम्र देखो, बच्चों से मुकाबला कर रही हो। बच्चों को मेरी उम्र का एहसास है, उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ बुआ हूँ। इन हालात में भी सिर्फ तुम्हें अपनी फिक्र पड़ी है। अरे सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको अपनी पड़ी है, मैं अकेली नहीं हूँ। रेशमा इस तरह तो तुम एक नया फसाद खड़ा कर रही हो। देखिए भाभी, मेरे बारे में आप हमेशा बदगुमा हो जाती है, एक मैं ही तो हूँ जो आपकी खैर ख्वाह हूँ। जानती हूँ तुम कितनी खैर ख्वाह हो, कितने पैसे दिए तुम्हें नूरजहां ने, मुझसे डबल ले लो, लेकिन इस बात को यहीं पे रोक लो। भाभी मैं यहाँ पर लड़ाई लड़ने नहीं आई, मियाँ जी ने जिम्मेदारी दी थी बस। ठीक है सामने से हटो। अरे रुक जाए भाभी, अभी मामला बहुत गर्म है। गर्म है तो हुआ करे, हटो आगे से। नहीं भाभी। हमेशा की तरह इस बार भी हम लड़ते रहे और बोटी जीत ले गई। तुझे सारे शिकवे में से हमारी औलाद पर हमसे ज्यादा मियाँ जी की चलती है। आप कहना क्या चाहते हैं? लेकिन हमारे दरमियान इतने इख्तलाफात कभी नहीं थे, हमने अच्छा वक्त भी गुजारा है। हाँ तो फिर लगता है शिन्निया रिश्ता हमें रास नहीं आया, पर क्या करें, मियाँ जी की जिद के सामने हम बेबस हैं। भाई साहब आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ गया। नहीं तू नहीं समझा। भाई साहब अब मैं वो 7 साल का बच्चा तो हूं नहीं कि आप जो बात करेंगे तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिला दूंगा। देखिए जिस तरह हायम और अमल का निकाह हुआ था इसी तरह नायल और मेराब की शादी होगी तो तभी बराबरी होगी। तो अब कर लेते हैं बराबरी पर बात? नहीं जी नहीं भाई साहब, अब तो शादी होगी तो बराबरी होगी। तुम्हें तेरा आखिरी फैसला है? भाई साहब आप जो चाहे समझो। हालात जब तक काबू में नहीं आते गुफ्तगू से परहेज का कानून सब पर लाजिम है, और मजीद ये कि किसी नाखुशगवार वाके से बचने के लिए उम्मीद है सब ताबून करेंगे। ये मैसेज सबको लिख दे। जी बेहतर। मजीद हां ये कसूरवार को करार वाकई सजा दी जाएगी। कसूरवार से शुरू होती है और जंग में बदल जाती है। क्या बात हुई? खुलकर बात कर, खुलकर। हाइम तू जा। आपने कुछ कहना था? जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। तू बालिग है, समझदार है। जा सबसे पहले अमल को मना, जा और ठहरो। लोकमान इसके साथ इसके कमरे तक जा, और अगर रास्ते में कोई चेह पेह करे तो उसकी तुम वापस यही आना।
क्या कर रहा है? इंतजार। कहां लेके जा रहे थे? इनके कमरे में। लुकमान इधर लाए इसे। हाँ ले जा ले जा ले जा ले। रुक, खा नहीं जाऊंगा आपके लाडले को, इधर लाए इसे। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जा जा ले जा ले जा ले जा। अब चले। चलो मम्मी क्या याद रखोगी। नायल उठो, बिला वजह के टैंट्रम्स मत दिखाओ मुझे, एक भी भारी पड़ गया ना। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, हम करें तो गलत वो करें तो ठीक, क्यों ऐसे ही। हाँ तुम भी। नायल चलो चलो। तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो? यहाँ ऊपर बैठ। I'm fine. तुम्हें याद है तुम्हारी बर्थडे पर मियाँ जी ने तुम्हें एक बाइसिकल गिफ्ट की थी और मैं कितना रोई थी। आदत है। कैसी है? जिद करने की यार। और फिर तुमने मुझे वही बाइसिकल राइड करना सिखाई थी, तुम्हें चोट भी लग गई थी, उसका निशान भी है, दिखाओ। नहीं झूठे, ये वाली नहीं, वहां जहां ज्यादा लगी थी उसका सिर्फ मुझे पता। सुबह जल्दी उठना है। तो उठ जाना। और तुम्हें वो याद है मियाँ जी की फोर्ड कार? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, मियाँ जी की उस दिन की डांट में पूरी जिंदगी नहीं भुला सकता, जिस तरह उन्होंने कान पकड़ा था। ओए होए होए। फिर से करना क्या ये? ओए होए, बहुत साल बात सुना है तुम्हारे मुंह से। ये कहानी। कहानी से याद आया, हम दोनों का जो प्रॉब्लम है हम खुद तय कर लेंगे। इन सब लोगों को हनीमून की बहुत जल्दी है, इसीलिए मियाँ जी ने। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना हनीमून नहीं मनाएं। मेरा मतलब है कि मतलब समझाते समझाते बताने भी लगे। गुड आइडिया वैसे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बस यहां से दूर। निया जी मान जाएंगे और ताऊ जी तो फॉरेन से अपनी क्लास का इश्यू बना लेंगे। लोग आवामी क्यों नहीं हो सकते? मैं करूंगी बात, लेकिन एक शर्त है। क्या? होटल मेरी मर्जी का होगा। डन डन।
इधर आओ। कहां गए थे तुम दोनों? कहां लेकर गया था इसे? बोलता क्यों नहीं है? ताया जी वो ताया जी का मामा। अरे वाह, मुआहदे की इतनी पासदारी। देख कलीम, इन दोनों का मामला अलग है। तुम दोनों जाओ। देख देख, तू तू इस केस को नई हवा दे रहा है। नायल, बर्थडे अपने टाइम पे होगी। तुम भी चेंज कर लो। वो मैं सोच रहा था कि तुम बात कब करोगी? अभी अभी इतनी जल्दी? सब सो चुके हैं। हम भी सो जाते हैं। और खाना? हाँ खाना, नींद भी आ रही है इस वक्त, खाना ठीक नहीं है। मर्जी है। तुमने खाया? नहीं। चलो मैं भी नहीं खा रहा। क्यों? भूख उड़ गई है। उड़ गई? कहाँ? पता नहीं। ड्रामा क्वीन, मैं ले आती हूँ। इस तरह? सो व्हाट? थैंक यू सो मच, आई विल सी यू। अब बता भी दो हम किस होटल में जा रहे हैं। सरप्राइज। लेकिन हम आ जाएंगे कैसे? अच्छा छोड़ो, क्या याद रखोगे? होटल कैलिफोर्निया।
सो रही थी। तुम बोर नहीं होते? सुबह सफीना, शाम को अमल, क्या बंदे हो यार। ऐसे जब बोर होने लगो ना बता देना। क्या करोगी? भाई मुश्किल आसान कर दूंगी। मेरी कोई मुश्किल नहीं है। ये भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोग इस तरह से नहीं सोचते। हमारे दरमियान लोग कब से आ गए? वैसे और कुछ भी करते हो या जरूरत नहीं पड़ी? सॉरी जस्ट आस्किंग, एक्चुअली तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती नहीं हूं ना। अभी एक बिजनेस डील क्रैक किया निजामी अंकल के साथ। निजामी अंकल? ओह निजामी अंकल, इंटरेस्टिंग। कि तुम बात बात पर हाथ क्यों पकड़ लेते हो? सारा दिन सोती रहती हूँ तो? कहीं बाहर जाना हो तो मुझे पहले बताना। क्यों? इसलिए कि मैं काम में बिजी होता हूँ और फिर चेंज भी जरूरी है ना। Yes, I am greatly enjoying my changed life. टॉन्ट कर रही हो? तुम टॉन्ट समझते हो? सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? सब कुछ। मैं चावल लेने जा रही हूं, तुम अभी बैठोगे? अच्छा चेंज है ना, पहली बार तुमने कुछ अच्छा सोचा है। अब क्या प्लान है? कैसा प्लान? अब क्या सारा वक्त होटल में ही रहना है? वैसे काफी चेंज हो गए हो तुम, अब मतलब नहीं पूछता। उससे मिलते हो? मिलते तो हो गए। मैं सोच रहा था कि जब भी उसका जिक्र होता है सोचने लगता है। अच्छा अब मूड ऑफ मत करो, पानी मून रहे हैं वो देखो चांद। अभी तक यही हूं, गए नहीं? कहां? क्या 24 घंटे मेरे सर पे बैठे रहोगे? तुम्हारी इज्जत पूरी हो चुकी है, निकाह हो गया हमारा। ओह ट्रस्ट इश्यूज, मतलब तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हें लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊंगी, राइट? यार अमल के पास जाओ, उसे टाइम दो। इनफैक्ट तुमने ना हनीमून प्लान कर लिया, वो कर लो। क्या दुनिया में किसी और मर्द की दो बीवियां नहीं है? मैं दुनिया में पहला मर्द हूं। इमोशनल होना जरूरी है। तुमने अमल को बताया कि हमारा निकाह हो चुका है? कम ऑन यू हैव टू टेल हर दिस, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी।
ऑस्कर विनिंग मूड स्विंग्स मेरे पास भी है। हाँ, मेरी दो बीवी हैं और मैं उन्हें ओन करता हूं। अमल की कॉपी मत करो, अमल अमल है और सफीना सफीना। और तुम हम दोनों के ओनर हो, मतलब ओनरशिप है। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो? जहन्नम में। तो तुम्हारा और अमल का हनीमून वहां है। Just kidding. अच्छा सुनो, हमारा भी होगा। हाँ। मुझे ना स्विट्जरलैंड जाना है, मिया जी से कहो ना। I'm sorry. I'm just kidding. हाइम, कहाँ जा रहे हो? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? डील के बाद से हमारे सितारे बहुत मिलने लगे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। रूम नंबर 1 और 2 दोनों मसरूफ हैं। पता चला यहाँ हाइम मुश्ताक। खैर, हम तो एक के साथ हैं और आप तो शायद आप नहीं जानते, मेरी दो बीवी हैं। दोनों साथ हैं? जी, दोनों साथ हैं। अच्छा है, एक ही होटल है। चार गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, तो दो बीवियां क्यों नहीं? खैर, ये तो आपका जाती मामला है। ये आपकी वाइफ है? खैर, ये भी आपका जाती मामला है। यहां से कूद सकती हो? हाँ। जंप। नॉक करो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ओह सरप्राइज विजिट। ये लो, तुम्हारे लंग्स काफी वीक है हाइम, चेकअप करवाओ अपना। जानता हूं मैं तुम्हें सब क्यों कर रही हो, ये सब मैंने क्या किया है, मैं तुम्हें सिर्फ बस कर दो, बस कर दो, स्टॉप इट। से डरते हो? एक्टर तो तुम भी हो, एक्टर तो हम भी हैं। सफीना। हाइम। इधर, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तुम ये सब नहीं कर सकती, संभालो खुद को। हाँ
करो, करो गॉड रिसीव। बोलो कहाँ हो तुम? यही हूँ। यहाँ कहाँ? नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे आ गया हूँ। तुम्हें नींद आएगी भी कैसे? तुम्हारी सेंसेस में उसका काबू जो है। तुम इस तरह मुझसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। देखो हैम, दो मिनट में तू रूम में वापस आ जाओ, वरना मैं क्या करूंगी तुम? हाँ वरना मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगी। तुम्हारे पास सिर्फ दो मिनट है, तुम जानते हो मुझे।